अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। कुकिंग विद नरगिस में आज हम बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा, और उसके लिए हमने लिया है ये कुछ बादाम लिए हैं, अलग से पीस के डालेंगे हम। 10 से 15 हमने ये बादाम लिए हैं, और ये 8-10 काजू लिए हैं, और ये हम एक कटोरी चावल हैं, ये कच्ची बनस्पति है, हमने भिगो के अच्छे से इनको सोख के करके रखा हुआ है। ये हम 10 से 12 ये हैं छुआरे हैं, इनको हमने भिगो के अच्छे से वॉश करके रख लिया है। और ये हम थोड़ी सी सिवैयाँ हैं, ये हमने इस तरह से छोटी छोटी इनको कर लिया है। और ये थोड़ा सा 8 से 10 हैं ये हरी इलायची, उनको हमने ऐसे क्रश करके रख लिया है। ड्राई फ्रूट्स हमारे इस तरीके से हैं, ये रहे इसमें गोला है रंधा हुआ, मखाने हैं, काजू हैं, बादाम हैं, किशमिश हैं, और ये इसमें हम सारी चीज़ें डाल रहे हैं। 1.5 लीटर दूध है तो हमने इसको बॉयल होने रख दिया है। अब इसमें एक बॉयल भी आ चुका है, और इसकी जितनी भी मलाई है वो इस तरह से हम किनारों से इसको साफ करके इसी में अंदर डालते रहेंगे, जो मलाई होगी वो हमें इसमें। बॉयल आना शुरू हो गया है, इसको अच्छे से पकने देंगे, इसके किनारे इस तरह से साफ करते रहेंगे जैसे इसकी मलाई जो है वो चारों तरफ जमे नहीं और सारी मलाई भी अंदर दूध में जमी जाए। आप अपनी मर्जी से कोई भी दूध ले सकते हैं, फुल क्रीम, टोंड, जैसा भी आपको मर्जी है वो आप अपनी मर्जी से ले सकती हैं। ये देखिए हमारे दूध में बॉयल आ रहा है, तो अब हम जो है करते हैं एक मिक्सर लेते हैं, और मिक्सर में इसको चावलों को पीस के और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये हमारे काजू बादाम हैं, इनको भी हम पीसे लेते हैं पहले, एक मिक्सी लेके इसका एक बारीक सा पाउडर बनाते हैं, उसके बाद फिर चावलों को पीसते हैं। अब देखिए हमारा दूध अच्छे से बॉयल हो गया है, और हमारे ड्राई फ्रूट्स भी देखिए हमने इस तरह से पीस लिया है जो हमारे, और उसी में हमने जो हमारी वो रखी हुई थी हरी इलायची, उनको भी पीस लिया इसी में साथ डाल के। और देखिए हमारा ये था मिक्सचर, चावल हमारे इस तरह से हमने इनको बारीक पीस लिया है। अब इसमें हमारा दूध बॉयल होने हो गया है, अब इसमें हम चावलों को डाल देंगे। चावल भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए। अब इसको हल्की आंच पे थोड़ा सा इसको थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे, इतने हम दूसरे काम हैं वो अपने हम कर लेते हैं। इसको हम हल्की आंच पे इसको ढके देते हैं, और इसको ढक के थोड़ी देर जो ताकि वो चावल है वो भी अपने सही हो जाएंगे, तो इतने ढक के इसको रखे दे रहे हैं। दूसरी गैस पे हम अपना, अब हमने एक गैस पे देखिए अपनी खीर को बनने रख दिया, और एक तरफ हमने ये देसी घी डाला फ्राई पैन में, ये अपने सारे ड्राई फ्रूट्स हम भूनने। तो सबसे पहले हम अपनी चिरौंजी हैं, किशमिश हैं, बादाम हैं, सारे ड्राई फ्रूट्स को डालते हैं, और इसे बिल्कुल हल्की आग पे इसको भूनते हैं ताकि जले ना, सिर्फ इसका कलर चेंज होने तक थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। ये बहुत तेज इनको जलाना नहीं है, सिर्फ इनको हल्का सा कलर चेंज होने तक ही इनको सब सिर्फ फ्राई है। हमने फिर से वही फ्राई पैन रख दिया है, और उसमें हमने एक स्पून फिर से घी डाला है, और ये हम 2 हरी इलायची और 2 लौंग डाल रहे हैं इसको थोड़ा कड़कने तक। ये अपनी सिवैयाँ इसमें डाल, अब सिवैयों को डाल के भूनते हैं इसमें, इनका भी थोड़ा सा कलर चेंज, इनको भी जलाना नहीं है, बस हमें इतने कलर चाहिए था इसका, बस इसको पलट ले रहे हैं। देखिए हमारी चावल भी हमारे जो खीर के थे वो अच्छे से गल चुके हैं। अब इसमें हम जो हमारे छुआरे कटे हुए रखे थे वो छुआरे भी हम सारे डाले दे रहे हैं इसमें,
और जो हमारी सेवइयाँ थी ये भी हम इसमें डाले दे रहे हैं सेवइयों को भी। और ये हमारे ड्राई फ्रूट्स थे जो हमने सारे फ्राई करके रखे थे, ये भी इसमें हम डाले दे रहे हैं। थोड़े से बचा रहे हैं बस गार्निशिंग के लिए, बाकी डाले दे रहे हैं सारे इसमें। और ये हमारा ड्राई फ्रूट जो बादाम और काजू पीसे रखे थे वो भी हम इसमें डाले दे रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों हल्की गैस पे हम इसको बना रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से हमारा अब सारी चीजें इसमें अच्छे से पक गई हैं, ड्राई फ्रूट्स भी इसमें अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम चीनी नहीं डाल रहे हैं, उसकी जगह हम इसमें ये मिल्क मेड डाल रहे हैं। हम इसमें चीनी बिल्कुल भी नहीं डाल रहे हैं। इसमें हम थोड़ी सी हरी इलायची पीसी रखी थी, ये भी हम इसमें डाल रहे हैं। और ये थोड़ा सा इसमें हम गुलाब जल डाल रहे हैं। अगर आपको मीठी पसंद है ज़्यादा तो आप चीनी डाल सकती हैं, लेकिन अगर शुगर का मसला नहीं हो, कोई मसला नहीं हो तो आप चीनी डाल सकती हैं, लेकिन मैंने चीनी इसमें नहीं डाली है। तो मैंने ये अमूल का था मिठाई मेड था तो ये मैंने डाला है इसमें मीठे के लिए। आप चीनी भी डाल सकती हैं, आप जो आपकी मर्ज़ी है आप वो डाल सकती हैं। देखिए हमारी शीर बन के तैयार हो गई है, बस हम गैस को बंद करते हैं और फिर आपको सर्व करते हैं। और देखिए लीजिए हमारी शीर बन के तैयार हो गई है। देखिए इतनी शानदार, सारे ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छे से देखिए सब वो हो गए हैं। अब इसको हम गार्निश कर रहे हैं बाकी और ड्राई फ्रूट्स से। आप अपने मर्जी के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हैं। आप ईद पे इसी तरीके से हमारे तरीके से बनाइएगा, ज़रूर बनाइएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।